आठ ग्यारह तीन बिल्लियाँ की बात है। एक तस्वीर में तीन बिल्लियाँ रहा करती थी। जैसा कि सारी बिल्लियों के साथ होता है, ये बिल्लियाँ भी हर साल थोड़ी बड़ी हो जाती थीं। अब तस्वीर तीन बढ़ती हुई बिल्लियों के लिए छोटा पड़ने लगा। जब वह चित्रकार सो जाता तब तीनों बिल्लियों में आराम से बैठने की कश्मकश शुरू हो जाती। वे इधर खिसकती, उधर घूमती, मुड़ती, कुलबुलाती, सटपटाती, यानी कुछ ठीक से बैठ पाने के लिए जो कुछ कर सकती थी कर लेती। एक दिन वे सुबह आराम से बैठ पाती इससे पहले चित्रकार कमरे में आ पहुंचा। बिल्लियों को इधर उधर कूदता फांदता देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सबसे बड़ा वाला ब्रश उठाया और गुस्से में बिल्लियों की ओर झटका सा दिया। अचानक बिल्लियों को लगने लगा कि वे सिमट कर बक्से के आकार की हुई जा रही हैं, जैसे उन्हें तस्वीर से काट के निकाला जा रहा हो। थोड़ी ही देर में एक नाखून, एक पांव और फिर एक पूरी टांग तस्वीर से बाहर निकली। एक एक कर फिर तीनों बिल्लियां बाहर कूद आईं। चित्रकार गुस्से में पागल हो रहा था। वे उसके सामने भागी, उस कमरे से निकली, उस घर से निकली और गली में आ गई। चित्रकार उनके पीछे भागा, चीखता, रुको रुको, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। पहली बिल्ली सबसे तेज दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गई और बनी बड़ी बिल्ली, वह बिल्ली जो खुद दिखे बगैर सब देख पाती है। दूसरी बिल्ली रात सरी की काली थी, सो वह अंधेरे में छिप गई और नदी में छलांग लगा दी ताकि बेपरवाह मछलियों को पकड़ सके। तीसरी बिल्ली छुटकी थी, डरी हुई थी और चाहती थी कि लोगों के साथ ही रहे जो उसे उस विशाल गुस्सैल चित्रकार से बचा सके। इसलिए वह एक खूब सारे बच्चों वाले घर में घुस गई। सारे बच्चे बहुत ही दोस्ताना थे और उसकी कहानी सुनते सुनते कभी न थकते थे। और उस चित्रकार का क्या हुआ? वह वापस घर चला गया और एक नई तस्वीर बनाने लगा। पर अब की बार उसने ध्यान रखा कि उसकी पेंटिंग में बहुत सारी खाली जगह हो ताकि वहाँ की बिल्लियाँ आराम से फैल फूल कर खेल सकें, बड़ी हो सके, पेंटिंग छोड़कर भागना ना पड़े। हंसी मजाक प्रॉब्लम। एक बार शर्मा जी मनोचिकित्सक के पास गए। मनोचिकित्सक ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? शर्मा जी ने कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बादशाह अकबर हैं, जिल्ले सुभानी, शहशाह आलम, महाबली, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर मनोचिकित्सक ने पूछा, प्रॉब्लम हमारी वाइफ को है। उन्हें क्या हुआ है? मनोचिकित्सक ने पूछा। वे समझती है कि वे श्रीमती शर्मा हैं। तकिया कलाम। वर्मा साहब जितना काम करते थे उससे ज्यादा उसका शोर मचाते थे। उनका तकिया कलाम था, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। दिन में हजार बार थोड़ी थोड़ी देर में कहते, उफ कितना काम है कि मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। एक दिन जब उनका सेक्रेटरी शर्मा उनका तकिया कलाम मरने की भी फुर्सत नहीं है सुनते सुनते बुरी तरह पक गया तो बोला, सर आपकी इजाज़त हो तो एक बात कहूँ। वर्मा साहब बोले, फरमाइए। शर्मा बोला, ऐसा है साहब कि दुनिया के काम तो चलते ही रहेंगे या तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, मेरी मानो तो आप एक काम करो, किसी दिन पक्का मन बना लो और इस काम के लिए भी फुर्सत निकाल ही लें। मेरा पन्ना ढोंगी। ढोंगी बाबा बांध लंगोटी, जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर, अपना रूप सजाते बाबा, खाते हैं मिष्ठान मलाई, सबका माल उड़ाते बाबा, धू धू की आग में हमको जलाते बाबा, पूजा करके अपनी ढोंग रचाते बाबा। चोर का कारनामा। हमारे गांव में किसी घर में चोर आया था और उस घर के लोग काम पर गए हुए थे। उस घर में एक लड़की सोई हुई थी और वह लड़की उठ गई। उस चोर ने लड़की को पैसे दे दिए।
लड़की दुकान चली गई और चोर एक बोरा धान की चोरी करके भाग निकला।